भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दरअसल सिडनी स्थित लॉबी इंस्टीट्यूट ने 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, लेकिन वो अपना गौरव खो रहा है। इस लिस्ट में चीन दूसरे स्थान पर है और पिछले साल की अपेक्षा दोनों के बीच का अंतर कम हुआ है। इस इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने पहले स्थान को तो बचा लिया है, लेकिन दो साल पहले 10 अंकों की बढ़ोतरी अब घटकर आधी रह गई है। ऐसे में शोध अध्ययन के प्रमुख और लॉबी के एशिया पावर एंड डिप्लोमेसी प्रोग्राम के निदेशक हर्वे लेमा ह्यू के मुताबिक अमेरिका की घटती साख का कारण कोविड-19 महामारी से निपटने की लचर योजना, कई व्यापारिक झगड़े और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कई बहुपक्षीय समझौतों और विभिन्न संगठनों से हाथ खींचना है। तो वहीं चीन लगातार तीसरे साल दूसरे स्थान पर काबिज है, लेकिन कोरोना संक्रमण की महामारी की गंभीरता के बारे में जानकारी दबाए रखने के आरोप के बाद से ही उसके कूटनीतिक दबदबे में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसमें चीन की आक्रामक नीति का भी काफ़ी योगदान है। हालांकि लेमा ह्यू ने कहा है कि इस बात की अधिक संभावना है कि चीन इस दशक के आखिर तक अमेरिका को भी पछाड़ देगा। तो वहीं जापान के बाद इस लिस्ट का चौथा सबसे शक्तिशाली देश भारत है। भारत ने साल भर में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है और सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है। हालांकि भारत ने सर्वाधिक जिस चीज पर काम किया है वो है रक्षा नेटवर्क। चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनज़र भारत लगातार मजबूत हो रहा है। इस सूचकांक के आधार पर रक्षा नेटवर्क के लहाज से भारत अब चीन से 21 है। इसके अलावा साल भर में भारत का आर्थिक रिश्तों के साथ ही कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ा है। ऐसे ही तीसरे स्थान पर मौजूद जापान ने भी भारत की तरह ही अपने रक्षा नेटवर्क को बढ़ाया है। वहीं छठे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक रिश्ते बेहतर हुए हैं, साथ ही रक्षा नेटवर्क के साथ कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ा है। ऐसे में समझा जाए तो भारत के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया का रक्षा नेटवर्क मजबूत होना इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने की ओर भी इशारा करता है।